इधर को ना देखे वहीं शुरू हो जाओ और जहां से भी गुजरो अपना निशान छोड़ते जाओ। और भैया असली धुरंधर मिलते हैं यहां, जो हर 15 अगस्त को देशभक्त बन जाते हैं। रियल इंडिया की फोटो इंस्टाग्राम पे #आजादी के साथ चिपकाते हैं। अरे क्या है भाई, मुझे नहीं चाहिए झंडे, चलिए यहां से। कौन सी क्लास में आता है? आपका लाइसेंस बन गया है? तो फिर आप कैसे गाड़ी चला रहे हो? देखिए बेटा, देखो लाइसेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी पहचान है, लाइसेंस इसलिए है, सरकार ने नियम बनाए हैं क्योंकि आपका मानसिक संतुलन, आपका मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए 18 वर्ष के बाद लाइसेंस बनाया जाता है। अभी मैंने, मेरे ख्याल से आपका कोई वीडियो भी देखा है, आपने कोई वीडियो भी अपलोड किया है सोशल मीडिया पे, कोई फोटो भी डाले हैं शायद आपने स्वतंत्रता दिवस को लेके। तो स्वतंत्रता दिवस केवल वीडियो में डालने से या व्हाट्सएप पे डालने से बना लोगे? देश को अगर सुरक्षित करना है, देश को मजबूत बनाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप भी नियमों का पालन करें। तो आप मुझे वादा करिए कि आगे से आप नियमों का पालन करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का उल्लंघन होता है। एक अच्छे नागरिक बनके दिखाएंगे। थैंक यू, आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम। चलो ऑल द बेस्ट। हम अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और आज बप्पा क्रिएशंस की ओर से एक ये वीडियो बनाई जा रही है जो लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बच्चे और ये क्रिएशंस की टीम ने एक बड़ा इनिशिएटिव वो लिया है। स्वतंत्रता का मतलब केवल ये नहीं है कि आप आजाद हो गए हैं शरीर के तौर पे या मानसिक तौर पे, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। आज हमारे देश में लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों के द्वारा यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है। यह अति आवश्यक है कि हम अपने यातायात के नियमों का पालन करें, हम स्वयं अपनी नहीं दूसरों की भी जान बचाएं। केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने से असली स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है। यह अति आवश्यक है कि हम स्वयं अपने मन में यह धारण करें कि हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना है और दूसरों की, अपनी जीवन रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी जीवन रक्षा करना है। धन्यवाद।